हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल एल डब्लू डी जॉब में सीबीएससी की तरफ से बीएड पास कैंडिडेट के, के लिए काफी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है परमानेंट पोस्ट रहने वाली है जिन्होंने बी एड नहीं भी किया है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में सबसे पहले जो है नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे किस पोस्ट की है तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो कुल अठारह पदों की वैकेंसी है अकेडमिक में अगर बात करते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे यहाँ जैसे कि हिंदी है इंग्लिश है फिजिक्स है बायोलॉजी केमिस्ट्री एजुकेशन साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन मैथमेटिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जोग्राफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स तो यहां पर अकेडमिक में जो है कुल सोलह पद है ठीक है ऊपर जो हमने देखा था अठारह जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है और सोलह पद जो है अकेडमिक की पोस्ट है उसके बाद जो है ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो एजुकेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स आईटी मल्टीमीडिया मल्टी मास कम्युनिकेशन डिजाइन इंग्लिश हिंदी इसके जो है वो ट्वेंटी टू पद हैं तो अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी भी अलग अलग दी हुई है अकाउंट ऑफिसर के तीन पद हैं और अकाउंटेंट की आप देखें सात हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जो है कॉमर्स में किया हो अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन जो है ये क्या मांग रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी किया है 35 फाइव ईयर तक के कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी तो पहले भी जो है मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है काफी अच्छी वैकेंसी है तो मुझे लगा कि आप लोगों को दोबारा से सूचना देनी चाहिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनकी पोस्टिंग जो है कहाँ रहेगी सीबीएसई के जो ऑफिस हैं वहां पर आपका जो है जॉब लोकेशन रहेगी और वो है आप देख लें अजमेर है अलाहाबाद है भुवनेश्वर है भोपाल बेंगलुरु चेन्नई चंडीगढ़ देहरादून गुवाहाटी नोएडा पटना पंचकुला पुणे तिरुवंतपुरम विजयवाड़ा एंड रायबरेली ठीक है बहुत सारे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के हैं तो अजमेर जो है यहाँ पोस्टिंग रहने वाली है मध्य प्रदेश के जो है भोपाल रहेगी ठीक है और बाकी आप देख लें उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो है वो इलाहाबाद में पोस्टेड होंगे इसी तरीके से जो है हरियाणा के चंडीगढ़ में होंगे ये इस तरीके से ठीक है अब देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक की तो जहां पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए जो आपको मैंने सब्जेक्ट दिखाए थे 16 वैकेंसी है इसमें अकेडमिक्स में तो आपका सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीएड होना चाहिए नेट या स्लेट क्वालिफाई होना चाहिए 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया गया है कैटेगरी वाइज स्किल एजुकेशन में देखें कुछ भी नहीं मांग रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन है केवल पोस्ट ग्रेजुएशन और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ठीक है ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो सब्जेक्ट है उनमें होना चाहिए बी होना चाहिए नेट और स्लेट या फिर स्लेट जो है आपका क्वालिफाई होना जरूरी है अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसी है तो इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स है कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस है बिजनेस स्टडीज है ठीक है इसमें होने चाहिए नेक्स्ट जहां आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है तो कोई भी मास्टर डिग्री हिंदी में किया है और इंग्लिश जो है वो एक कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम आपका रहा हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं या जो इंग्लिश में मास्टर डिग्री जिन्होंने किया है और हिंदी जो है हिंदी मीडियम के हैं हिंदी आपका एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं एज जो है इसकी 30 year है इसकी ईयर ट्वेल्थ में जो है वो आपका पढ़ा होना चाहिए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स कॉमर्स ठीक है आपने ये एक सब्जेक्ट इसमें से पढ़ा हो जो भी सब्जेक्ट यहां दिए गए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आयु सीमा में जो छूट है एससीएसटी कैटेगरी को यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं तो कम से कम जो अठारह वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपको अलग अलग पोस्ट वाइज बता दी गई है एस को पांच साल की छूट है ओबीसी को तीन साल की है और पीडब्ल्यूबीडी को दस साल की छूट है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को ओबीसी को तेरह साल की है एस सी को पंद्रह साल की है वुमेन को जो है वो हर पोस्ट में दस साल की छूट मिल रही है फीस जो है वो काफी है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी की ग्रुप ए के लिए ग्रुप ए के लिए जो यहां पर फीस है पंद्रह है ग्रुप बी और सी में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आठ है वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो सामान्य कैटेगरी की हो एस सी एस टी पीडब्ल्यू बी डी और एक्स सर्विस मैन के लिए और रेगुलर सीबीएससी इंप्लाइज के लिए कोई फीस नहीं है तो मुझे लगता है जितनी भी वुमेन कैंडिडेट हैं इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए सभी को अप्लाई करना ही चाहिए अब देख लेते हैं वैकेंसी जो है वो कहां से है तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से वैकेंसी है आठ मार्च दो का जो है ये नोटिफिकेशन है थर्टी एट की पीडीएफ फाइल है और अच्छे से जो है अगर आप अप्लाई करेंगे तो अच्छे से देखिएगा 12 मार्च 2024 से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं 11 अप्रैल तक ये चलने वाले हैं सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा सिलेबस भी डाला जा चुका है अप्लाई करने का लिंक भी यहीं पर आपको मिलेगा ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू